तो दोस्तों हम बात करेंगे, जैसे इसमें हमारे पास यहाँ पे वी एस कोड खुला हुआ है और यहाँ पे हमारा क्रोम खुला हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि जहाँ पर कोई हम जैसे यहाँ पे हम डालते हैं ए बी सी डी, पहले हमने ए बी सी डी डाल दिया, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे को शॉर्टकट है, ऐसा होता क्या था कि हम लोग यहाँ पे गए और यहाँ पे लाइव सर्वर ओपन करेंगे तो यहाँ पे अपने आप ही खुल जाएगा। लेकिन एक और ऑप्शन है दूसरा, वो ये है कि डायरेक्टली हम यहाँ पर ए बी सी डी, यहाँ पर हम क्या करते हैं ये भी जैसे ए डाल देते हैं, ठीक ए हमने डाल दिया और यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली यहाँ पर जाना है और सेव कर देना है। सेव करेंगे तो डायरेक्टली अपने पास यहाँ अपने आप रिफ्रेश भी हो जाएगा और अपने आप वही टैब खुला रहेगा उसी में हो जाएगा। नहीं तो होता क्या था कि नए नए टैब भी हमेशा खुलने लगता था। तो हम फिर लास्ट टाइम बता देते क्या करना है इसमें आपको, डायरेक्टली आपने कभी कोड किया ठीक है, कोड के टाइटल में हम ऐसे हमने यहाँ पर कोड कर दिया, करना क्या है इसमें कोड किए से हमने यहाँ पे H1 टैग में हमने कोड किया, मैंने सचिन लिख दिया। करना क्या है यहाँ पर, सचिन लिखने के बाद डायरेक्टली हमें फाइल पे जाना और सेव कर देना है। सेव कीजिएगा तो अपने आप वही ये सेव करिएगा तो अपने आप ये यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा और वहाँ पर प्रिंट भी कर देगा, तो हमें ऐसा टेंशन नहीं होगा और बहुत ईजिली भी हो जाता है।